Our constitution has granted us universal adult franchise. We have read about this in our class 6th. What is universal adult franchise? That all the citizens who are above 18 years can vote. ठीक है, कितने भी हमारे citizens हैं जो 18 years से ऊपर हैं वो बिना किसी discrimination के वोटिंग कर सकते हैं. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. सो राइट टू वोट टू एवरीवन हु इज़ अबव 18 ईयर्स विदाउट कलर, रिलीजन, रीजन और लैंग्वेज. वन मैन वन वोट वॉज द मोस्ट करेजियस स्टेप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स एज मोस्ट इंडियन वर इलिटरेट एंड पुअर एट दैट. कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हमें राइट मिला है? एक पर्सन को एक ही वोट मिलेगा. ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर कोई रिच है तो उसे दो वोट मिल वो दो वोट देगा या कोई पुअर है तो वो वोट नहीं देगा. इन एंशियंट टाइम इन सम कंट्रीज दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस हैड बीन डन. फ्रांस में या इंग्लैंड में इस तरह की प्रैक्टिसेस होती थी कि जो रिच पर्सन है सिर्फ वो ही वोट कर सकता है. बट इन आर कंट्री हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या राइट 18 ईयर्स है वो वोटिंग कर सकता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. और एक पर्सन सिर्फ एक बार ही वोट करेगा. वन मैन वन वोट. ओके, पीपल ऑफ इंडिया cast their vote and elect their representative for a fixed period. We all are participating in our elections, जो हमारे इंडिया में इलेक्शन हेल्ड होते हैं करते हैं, राइट. सो इलेक्शंस हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और सभी अपना वोट देते हैं फॉर द फिक्स्ड पीरियड. कैंडिडेट्स को वो इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए. हाउ मैनी ईयर्स? राइट, फाइव ईयर आर रिप्रेजेंटेटिव. ओके, एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव रन द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ पीपल. ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और वो गवर्नमेंट किस तरह से वर्क करती है? जैसा लोग चाहते हैं. ओके, अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पीपल. इफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स डू नॉट डू सो, पीपल डू नॉट वोट फॉर देम इन नेक्स्ट इलेक्शन. अगर हमें वोटिंग करते हैं या नहीं करते? नहीं करते, है ना. वी ट्राई टू सम अदर पर्सन. हम किसी और पर्सन को कोशिश करते हैं चुने जो ज़्यादा अच्छा वर्क करे, जो हमारे वेलफेयर के लिए वर्क करे. कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोगों के लिए अच्छा वर्क नहीं करता तो लोग उसे नेक्स्ट इलेक्शन में वोट नहीं देते. पीपल ऑल्सो कीप अ चेक ऑन द एक्टिविटीज़ ऑन देयर रिप्रेजेंटेटिव टू गार्ड देयर राइट्स एज गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके वर्क को भी चेक करते रहते हैं कि कहीं वो हमारे राइट्स को वॉयलेट तो नहीं कर रहा, हमारे राइट्स को ख़त्म तो नहीं करने लगे. नाउ इन दिस कार्टून वी कैन सी दैट देयर इज़ अ कॉमन मैन एंड इट इज़ अ तो लीडर अपनी जो उसकी प्लानिंग्स है वो बता रहा है कि मैं आपके लिए अच्छे काम करूँगा, मैं आपको ये बात इलेक्ट्रिसिटी अच्छी दूंगा, मतलब जो भी उस वो प्रोमिस. और जो कॉमन पर्सन है वो क्या कह रहा है कि झूठे जो प्रोमिस हैं, जो फॉल्स प्रोमिस हैं वो ना करें क्योंकि उसके पास वोट है और वो नेक्स्ट इलेक्शन में से नहीं देगा वोट. द पॉलिटिशियन मेक प्रोमिस टू ल्योर द वोटर. पॉलिटिशियंस जो हैं वो वोटर प्रोमिसेस करते हैं ताकि वो उन्हें वोट कर सकें. द वोटर इज कॉन्फिडेंट ऑफ द पावर ऑफ हिज वोट. बट यहाँ पर जो वोटर है उसे अपनी इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी. जो इलेक्शंस हैं वो भी इक्वालिटी के बेस पर होते हैं. ठीक.
ठीक है। सो जो वोटर है वो घबराता नहीं है, मर्जी से अपने जो सिलेक्टेड पर्सन होते हैं, जो उसे पसंद आते हैं, जिसका वर्क, उसी को वोट करते हैं। मैनी पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। द पॉलिटिकल पार्टी इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप हैविंग इट्स ओन पॉलिसीज। हमारी कंट्री में बहुत पॉलिटिकल पार्टीज हैं और वो पॉलिटिकल पार्टीज अपने खुद की पॉलिसीज बनाती हैं, अपने प्रोग्राम्स बनाती हैं। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? एक ग्रुप होता है लोगों का जिनकी एक जैसी सोच होती है, ओके? और वो थिंकिंग के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज आर सिलेक्ट एंड फाइनेंसेस बाय पॉलिटिकल पार्टीज। पार्टी कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है मैन पावर के साथ, यानी कि उनके साथ बहुत से लोग होते हैं, और उन्हें फाइनेंस भी किया जाता है, उन्हें पैसा भी दिया जाता है रैलीज करने के लिए, वोटर्स से बात करने के लिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैव टू कैंपेन ऑन देयर ओन। नाउ हु इज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट? के साथ नहीं है, जो खुद ही अकेला इलेक्शन में कर रहा है वो पर्सन इंडिपेंडेंट होता है। तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं वो अपना कैंपेन खुद करते हैं। इलेक्शन, किसी भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना आसान नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो पास पावर होती है, मैन पावर ज़्यादा होती है। बट इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट होता है उसके पास ना तो इतना सारा फाइनेंस होता है क्लिस कर सके या लोगों से बातें कर सके जा जाके हर एरिया में, ना ही मैन पावर होती है, ठीक है। तो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता है उसके लिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना इजी नहीं होता।